कथावाचक जया किशोरी आज तड़के बाबा महाकाल की भस्मारती में शामिल होने के बाद बाबा महाकाल के दरबार पहुंची। बता दें कि कथावाचक जया किशोरी इन दिनों उज्जैन में ही भागवत कथा कर रही हैं। उनकी कथा विराम दिवस भी है और इसी के चलते उन्होंने बाबा महाकाल की भस्मारती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। जया किशोरी सुबह बाबा महाकाल की होने वाली भस्मारती में शामिल हुई, उनके दर्शन किए। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद जया किशोरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मैं भस्मारती में शामिल हुई थी, मंदिर में बड़ी अच्छी व्यवस्था है जिसके लिए मंदिर समिति को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। भस्मारती में शामिल होकर मैंने स्वयं को बाबा महाकाल के बहुत करीब पाया। बता दें कि कथावाचक जया किशोरी इन दिनों उज्जैन शहर में श्रीमद् भगवत कथा सुना रही हैं, जिसका आज विराम दिवस है। इसी क्रम में वे सुबह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के होने वाली भस्मारती में शामिल हुई, जहां वे प्रभु भक्ति में लीन दिखाई दी। उन्होंने पूरी भस्मारती में नंदी जी के पास बैठकर भगवान के निराकार और साकार स्वरूप को दर्शन किए और भस्मारती के बाद बाबा महाकाल का पूजन व दर्शन भी किया। मंडला जिले की कोतवाली पुलिस ने जबलपुर के एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से जबलपुर जिले से चुराए हुए करीब 5.5 लाख रुपए 8 दुपहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से भीड़भाड़ वाले इलाके से दुपहिया वाहनों की चोरी किया करता था और वाहन को चुरा कर मंडला जिले के बकोरी फूल सागर के बीच के घने जंगल में छिपा कर रखता था, जिस पर मंडला कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घने जंगल में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि जबलपुर के ग्वारी घाट के भल्ला कॉलोनी का ये रहने वाला है। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन नगरी इन दिनों डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनती जा रही है। देश और दुनिया से कई लोग यहां आकर विवाह के बंधन में बंधना पसंद कर रहे हैं। भारतीय लोगों के अलावा विदेशी लोग भी भारतीय परंपरा के मुताबिक ओरछा में शादियां कर रहे हैं। ओरछा में श्री राम राजा सरकार का एकमात्र राम मंदिर है, जहां भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। आपको बता दें कि लोगों में राम के प्रति अगाध श्रद्धा है, इसीलिए लोग अपने नवजीवन की शुरुआत भगवान के चरणों से करना चाहते हैं। ओरछा भारत के दूसरे डेस्टिनेशन के मुकाबले काफी किफायती भी है। यहाँ लोगों को कम पैसों में अच्छी सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हर वर्ग के व्यक्ति के हिसाब से उन्हें व्यवस्थाएं मुहैया करवाई जाती हैं। गौरतलब है कि ओरछा में एक साल में छोटी और बड़ी शादियां मिलाकर 800 से 1000 शादियां होती हैं।